200 के करीब कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स हैं जिनके साथ बार बार सरकार ने वादे किए कि उनके लिए कोई पॉलिसी बनाई जाएगी और उन्हें रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट में अब्सॉर्ब किया जाएगा। इन लोगों ने बड़े बड़े प्रदर्शन भी किए, बड़े मेमोरेंडम भी इस संदर्भ में दिए और इलेक्शन के दौरान इनसे वादे हुए थे कि इनके लिए प्रॉपर पॉलिसी के तहत इनको रेगुलराइज किया जाएगा। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि इन लेक्चरर्स की कोई भी सुनवाई जो है इस दौरान में नहीं हुई। इनसे काम तो पूरा लिया जा रहा है जितना रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट में बाकी इनके काउंटर पार्ट से लिया जा रहा है, लेकिन इनका वेतन जो है वो नेग्लिजिबल है और इनको रेगुलराइज करने के लिए भी कोई कार्रवाई सरकार द्वारा नहीं की जा रही है। बावजूद इसके कि बार बार इनको यकीन दहानी दिलाई गई, बार बार इनसे वादे किए गए एडवाइज़र महोदयों ने, जो कमिश्नर थे उन्होंने और बीजेपी पीडीपी के सरकार के दौरान भी इनसे बार बार वादे हुए, लेकिन आज भी इनको डिस्पोजेबल्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है। इनसे काम लेकर इनको कहा जाता है कि अब आपको बाहर निकाला जा सकता है। ऐसे ऐसे कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स हैं जिन्होंने 10-10 साल 20-20 सालों से काम कर रहे हैं, अब ओवर एज हो चुके हैं। उनको बाहर निकालना ना केवल एक बहुत बड़ी बेइंसाफी इनके साथ होगी बल्कि ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा वायलेशन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इतने लंबे अंतराल के लिए आप किसी की जब नियुक्ति करते हैं या उससे काम लेते हैं और उसको आप पूरा वेतन नहीं देते हैं, उसको रेगुलराइज नहीं किया जाता है, तो ये एक्सप्लॉयटेटिव एनस्लेवमेंट होगा। जिस तरीके से सरकार इनके साथ व्यवहार कर रही है, इन हाईली क्वालिफाइड यूथ के साथ जो PhDs हैं, जो MPhils हैं और नेटस्लेट भी इनमें है, ये सरासर गलत है। सरकार के इस रवैये को जहां हम कंडेम करते हैं, वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से ये अपील करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द एक पॉलिसी बनाकर इन कंट्रेक्चुअल को, एकेडमिक अरेंजमेंट वालों को रेगुलराइज किया जाए। और इनके साथ सबसे बड़ी जाति जो है इस सरकार ने ये की कि इनको नीड बेस्ड का दर्जा दे दिया, वादे इनको रेगुलराइज करने के किए, लेकिन नीड बेस्ड जो इनको करार दे दिया गया ये बहुत ही निंदनीय है, ये अनएक्सेप्टेबल है, ये एक बहुत भद्दा मजाक आपने पढ़े लिखे नौजवानों के साथ किया है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हाईली क्वालिफाइड यूथ के साथ इस तरीके का मजाक किया जा रहा है वो बहुत काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है और इसके अर्थ शेकिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मैं इस निज़ाम को बताना चाहता हूं क्योंकि आप खिलवाड़ कर रहे हैं एक हाईली क्वालिफाइड कम्युनिटी के साथ जो सरासर गलत है। पैंथर्स पार्टी शेल स्टैंड टो टू टो एंड शोल्डर टू शोल्डर विद द एजुकेटेड यूथ एंड फाइट टिल द लास्ट फॉर अश्योरिंग देम जस्टिस एंड डिग्निटी इन जम्मू एंड कश्मीर।